Good morning students, I am Anurag Barman from Grace Mission Higher Secondary English Medium School and I am here to teach Class 10 Subject Computer Lesson 1st Internet Basic. Today I will teach you some topic of Internet Basic, so let's start. So first of all, we need to know about Internet. What is Internet? The term Internet is derived from the words इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क्स. आपका टर्म इंटरनेट इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क और सिस्टम दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड. इंटरनेट आपका एक ऐसा नेटवर्क है, या आप इसे सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो दुनिया भर के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, लिंक करता है. थ्रू दिस computers became able to exchange information, sending and receiving emails, downloading useful data, etc. internet ke madhyam se, internet ke zariye aap kisi bhi zaruri jankari ko aapas mein adla badli kar sakte hain, exchange kar sakte hain, kisi bhi email ko aap bhej sakte hain aur khud grahan kar sakte hain, sath hi sath किसी भी जरूरी डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं आदि. नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का प्रयोग, फर्स्ट वन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. ईमेल को सेंड करना और रिसीव करना, मतलब भेजना और ग्रहण करना. सेकंड, फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी जानकारी की अदला बदली करने के लिए. थर्ड, फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बिना किसी भी शॉप में जाए आपको कोई भी मटेरियल आपके पास मंगवाना हो तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आपके घर बैठे. फोर्थ वन, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, किसी भी मनोरंजन के उद्देश्य से, चाहे आपको गेम खेलना हो, आपको गाने सुनना हो, वीडियो देखना हो, एनीथिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. फिफ्थ पॉइंट, एजुकेटिंग स्टूडेंट्स थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट के जरिए आप स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, उसे कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ में ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सिक्स्थ, फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन, आज आप जैसे देख सकते हैं गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई भी ऐसा मोड हो तो उसके थ्रू आप कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी बिना पैसे के किसी भी चीज को परचेज करना या फिर पैसों का लेन देन करना आप कर सकते हैं. सेवन्थ, फॉर फाइंडिंग एंड अप्लाइंग जॉब्स, किसी भी जॉब को ढूंढना या फिर जॉब को अप्लाई करना आप इसको भी घर बैठे इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के फायदे, फर्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड लर्निंग स्किल्स. इंटरनेट आपको ज्ञान और सीखने की कुशलता प्रोवाइड करता है. सेकंड, सेलिंग एंड मेकिंग मनी ऑनलाइन. इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन मनी भी बना सकते हैं. थर्ड, इट प्रोवाइड्स सोर्स टू वर्क फ्रॉम होम. इंटरनेट के द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं. अब दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इंटरनेट के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं. तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के नुकसान भी हैं. फर्स्ट, एडिक्शन टाइम वेस्टर. कई लोग इंटरनेट के आदि हो जाते हैं, उन्हें लत लग जाती है और साथ ही साथ में वो अपना टाइम भी इसी में वेस्ट करते रहते हैं. सेकंड, स्पैम एंड रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट. स्पैम का मतलब है यहाँ पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक कोई मैसेज किसी को भेजना या फिर आपको किसी के द्वारा मिलना. और रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, याद रखिए इंटरनेट में कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रहे हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से, जरूरी नहीं कि वो सही है. थर्ड, आइडेंटिटी थेफ्ट. इसका मतलब है आपकी निजी जानकारी चोरी हो जाना. हैकिंग, अगर आपका बैंक अकाउंट आपके इंटरनेट से किसी भी तरह से लिंक है तो वो भी हैक किया जा सकता है. वायरसेस, किसी अननोन वेबसाइट से अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस आ सकता है. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के और टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे.